हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर अगरबत्ती। हमारे पूज्य पिताश्री महाराज दशरथ ने जो दिग्विजय की थी उसके पश्चात आज पहली बार अवध की सेना तुम्हारे नेतृत्व में विजय यात्रा पर निकल रही है। हमारे पूर्वजों की कीर्ति अब तुम्हारे हाथ में है। रास्ते में महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद लेकर जाना। चवन ऋषि के आश्रम तक तुम्हारी सेना को इस प्रकार यात्रा करनी चाहिए जिससे लवणासुर को किसी प्रकार का संदेह न हो कि कोई युद्ध की इच्छा से उसकी ओर आ रहा है। चवन मुनि के आश्रम में पहुंचने के पश्चात आगे के लिए वो तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं करेंगे। और याद रखो, सेना और सेवक को पर्याप्त धन देकर और मधुर भाषण से सदा प्रसन्न रखना चाहिए। संतुष्ट और प्रसन्न रखे गए सेवक संकट काल में जहां साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं वहां प्रायः निकट संबंधी भी नहीं खड़े होते। इसलिए सेना और सेवक को संतुष्ट और प्रसन्न रखना चाहिए। एक बात और, पिताश्री ने एक बार मुझसे कहा था कि राजा को सदा सेना के आगे रहना चाहिए, सेना उसका बहुत आदर करती है। ये बात याद रखना। जाओ विजयी भव। मैं आपके आशीर्वाद से विजय पाकर बहुत जल्दी लौटाऊंगा। नहीं, लवणासुर ने उस देश का नाश कर रखा है, अतः तुम्हें वहां रहकर वहां की व्यवस्था ठीक करनी होगी जिससे वहां की प्रजा सुखी समृद्ध और धर्मशील हो जाए। जहां इक्ष्वाकु वंशियों का राज हो वहां की प्रजा का सर्वदा ही कल्याण होना चाहिए, अतः तुम्हें वहीं रहना होगा। परंतु मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? देखो शत्रुघ्न, अब तुम भी मेरी तरह राजा हो,
प्रजा रंजन के लिए राजा को कितना बलिदान करना पड़ता है ये तुमने देख ही लिया है। मुझे विश्वास है तुम्हारी प्रजा तुम्हें वहां से नहीं आने देगी और वही तुम्हारी असली जीत होगी। मां भवानी सदा तुम्हारा कल्याण करें। जाओ। आज रात
यहीं विश्राम होगा। सेना इसी वन में रहेगी। सबके लिए उचित प्रबंध किया जाए। हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं। जो आज्ञा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। भगवान, वन देवी समय प्रसव पीड़ा से बहुत व्यथित हैं। यदि थोड़ा सा जल अभिमंत्रित करके मिल जाता तो उन्हें बहुत शांति मिलती। गौतमी माँ, आप चिंता न करें, बस जन्म का समय अब आने ही वाला है। धन लग्न में बालकों का जन्म होगा। मैंने कुंडली बना रखी है, पुष नक्षत्र और लग्न में सूर्य है, जन्म से ही तेजस्वी होंगे। मैं अभी जल अभिमंत्रित किए देता हूं। ये जल वन देवी को पिला दीजिए, संतान उत्पत्ति में कोई कष्ट नहीं होगा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। गुरुदेव, अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न आश्रम की ओर आ रहे हैं। उनके साथ सेना भी है। आश्रम के चारों ओर सारे वन में सूर्य पताकाएं फहरा रही हैं। सुंदर, अति सुंदर। आश्रम में वन देवी के पुत्रों का जन्म हो रहा है तो चारों ओर राज्य पताकाएं फहरा रही हैं। भेरी नाद हो रहा है। कितने शुभ लक्षण है। प्रभु, आपकी लीला न्यारी है। आपकी जय हो, जय हो। जयदेव। जी गुरुदेव। राजकुमार शत्रुघ्न को आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। भगवान वाल्मीकि की ओर से आपका स्वागत है। पाद और अर्घ स्वीकार करें। Thank you.
मैं महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न भगवान वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करता हूं। कल्याण मस्तु। कुमार शत्रुघ्न, आसन ग्रहण करो। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? आपकी दया से कौशल्य राज्य में सर्वत्र कुशल मंगल है। पूज्यवर, मैं महाराज श्री रामचंद्र की आज्ञा से आपका आशीर्वाद पाने आया हूं। महर्षि चवन बहुत से ऋषि मुनियों को लेकर महाराज राम के पास अपनी रक्षार्थ सहायता मांगने गए थे। मथुरा का राजा लवण नाम का एक नरभक्षी असुर है जो ऋषि मुनियों को खा जाता है और कई प्रकार के कष्ट देता है। महाराज ने उन्हें अभयदान देकर मुझे लवणासुर का संहार करने के लिए भेजा है। उनकी आज्ञा थी कि मार्ग में आपका आश्रम आता है, सो आपका आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे जाऊं। हम महाराज राम के इस निर्णय से अति प्रसन्न हुए। सूर्यवंशियों ने सदा ऋषि मुनियों और महात्माओं की रक्षा का शुभ कार्य किया है। हमारा आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हें अपने वंश की परंपरा निभाने की शक्ति दें और सफलता प्रदान करें। गुरुदेव, 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 वनदेवी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। गुरुदेव, गुरुदेव, वनदेवी ने दो पुत्रों का जन्म दिया है। ने उस दिन कहा था ना कि दो पुत्र होंगे जुड़वा, सो वो ही हुआ। बहुत अच्छा हुआ। बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत सुंदर हैं। तुमने उन्हें देखा है? नहीं, कौतनी माँ ने कहा। अच्छा, कैसा संयोग है कि अयोध्या का सूर्यवंशी राजकुमार यहाँ है और उसी समय दो सूर्यवंशी कुमारों ने हमारे आश्रम में जन्म लिया। सूर्यवंशी कुमारों ने? हाँ, संयोगवश ये बालक सूर्यवंशी हैं। उनके पिता इस समय यहाँ नहीं हैं। गौतमी माँ ने प्रार्थना की है कि आपके आशीर्वाद से बालकों का जन्म बड़ी सुविधा से हो गया है। अब आप कृपा करें तो आकर बालकों का जातक संस्कार करें। अच्छी बात है, तुम लोग जाकर जातक संस्कार की तैयारियां करो। कुमार, हमारे मन में आपके लिए एक अद्भुत संकल्प आ रहा है। आज्ञा करें गुरुदेव। ये बालक सूर्यवंशी हैं, उस नाते आप इन बालकों के चाचा भी लगते हैं। इनके पिता इस समय यहां नहीं हैं। पिता की अनुपस्थिति में चाचा के हाथ भी जातक संस्कार कराने का विधान है। सो यदि आप मेरे साथ चलकर उन बालकों को आशीर्वाद दें तो उचित ही है। आपकी आज्ञा से ऐसा शुभ कार्य करना मेरा अहोभाग्य है। अहोभाग्य तो उन बालकों का भी है जिनका चाचा आज अयोध्या का राजकुमार है और कल मथुरा का राजा होगा। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आइए। संस्कार को अपने स्वयं ही चल कर आए सूर्यवंशियों के स्वागत में सूर्य
संजोग मिलाए। गौतमी माँ, इन दोनों में सबसे पहले जन्म किसका हुआ? प्रभु, यही अग्रज है। कुशा के अग्रभाग को कुश और निम्न भाग को लव कहते हैं। कुमार शत्रुघ्न, आप इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने कुश द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम कुश होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने लव द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम लव होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब चाचा होने के नाते इन दोनों को आशीर्वाद भी दीजिए। सूर्यवंश में जन्म लिया है, भगवान तुम्हें अपने वंश की कीर्ति को और उज्ज्वल करने की शक्ति प्रदान करें, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे पास इस समय देने के लिए यही भेंट है, इसे स्वीकार करें। प्यास बुझत न बुझा